कौन सा लोकल कहाँ जाएगा, सब एक ही जैसा दिखता है भाई। मुंबई का जो लोकल है, स्टेशन है, सब आपको एक जैसा दिखेगा। 3 साल से अभी पगार कितना देता है? 14.5 14 11 12 घंटा, 11 12 घंटा काम करना पड़ता है भाई। भाई पैकिंग करता है क्या? पैकिंग कर रहे हो सर? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ काम। भाई बहुत लोगों का कमेंट आता है मुंबई में काम का वीडियो बनाओ, काम का वीडियो बनाओ, काम का वीडियो बनाओ। तो मैं जो काम करता हूँ उसका वीडियो बनाता हूँ। वैसे तो मुंबई में कोई नया व्यक्ति आता है और काम धंधे में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है भाई। जैसे कोई सीखा हो, ड्राइविंग करता हो तो ड्राइविंग में लग जाता है, और ड्राइविंग ना भी करता हो नॉर्मल इंसान तो वॉचमैनी में लग जाता है, और उससे कुछ ना आता हो तो भाई दिहाड़ी पे लगना पड़ता है। और दिहाड़ी में तो पता है आप सभी को कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वैसे तो मैं 4 5 मेरे 7 8 साल हो चुका है मुंबई में, तो मैं सीख चुका हूँ मशीन चलाना। तो वही आज दिखाने वाले हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था भाई काम का वीडियो बनाओ। भाई मुंबई में काम बहुत कठिन है भाई, और मुंबई का लाइफ तो इतना हार्ड है कि क्या बताऊँ आप सभी को। एक एक चीज़ रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकता हूँ, रिकॉर्ड करके दिखा सकते ना आप सभी को, तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि आप भी मुंबई आने से पहले 4 बार सोचते हैं। और नया आदमी है तो खास करके मुंबई नहीं आओ भाई फर्स्ट, और अकेले हैं तो ना आओ। यदि आपके दोस्त हैं 4 5 आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आप अकेले आएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे कि भाई स्टेशन में सोना, आपके पास यदि रूम नहीं है तो, और ट्रैवलिंग करना, ट्रैवलिंग के बारे में आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन सा लोकल कहाँ जाएगा, सब एक ही जैसा दिखता है भाई। मुंबई का जो लोकल है, स्टेशन है, सब आपको एक जैसा दिखेगा। आप शायद आए होंगे, आप एक्सपीरियंस किए होंगे ये सारी चीज़ों को। मैं ये सब चीज़ें किया हूँ, ये सब चीज़ें झेला हूँ, तो ये सब मुझे पता है। और अभी भी मैं कन्फ्यूज होता हूँ लोकल बस या लोकल ट्रेन में कन्फ्यूज होता हूँ, तो आप भी आते हैं तो कन्फ्यूज होना एक आम बात है भाई। लेकिन चलो आज मैं दिखाता हूँ आप सभी को अपना खुद का काम। तो आओ भाई आज मैं आप सभी को अपना काम दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस जगह पर रहता हूँ, कहाँ पर काम करता हूँ, एरिया कैसा दिखता है और कैसा नहीं है। चलो आओ दिखाता हूँ, बाहर चलते हैं पहले, इधर बाहर का जो नज़ारा है। अभी तो फिलहाल शाम हो चुकी है, करीब शाम का 7 बज चुका है। पता नहीं बाहर का क्वालिटी कैसा आएगा, लेकिन दिखाऊँगा भाई, क्योंकि बाहर में लोकल गुजरती है तो लोकल का जो नज़ारा है वो काफ़ी अद्भुत है। आपको दिखाते हैं जा करके। ये है ऊपर का नज़ारा, देखो क्या खूबसूरत से नज़ारे हैं। ये देखो इधर झोपड़ पट्टी है भाई, और झोपड़ पट्टी के अंदर ही मैं काम करता हूँ, उधर कारखाना था। और ये देखो अभी लोकल का नज़ारा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। शाम का 7 बज चुकी है तो कुछ ऐसा नज़ारा है, और व्यू देखो भाई साहब कितना खतरनाक नज़ारा है। फिलहाल मैं अभी कारखाने से आया हूँ, और एक चीज़ दिखा देता हूँ भाई, अभी जहाज उड़ेगा देखना, सामने एयरपोर्ट है ना तो जहाज उड़ेगा भाई। ये देखो इतने अच्छे जगह पर मैं जॉब करता हूँ भाई, मुझे काफ़ी मज़ा आता है। और बारिश वारिश होता है तो पानी तो अंदर जाता नहीं है, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी अद्भुत है। अभी थोड़ी देर में आप सभी को दिखेगा लोकल पार होते हुए, आपको वो भी दिखाता हूँ। मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं आता हूँ इधर, देखो बैठने का दिया हुआ है, मैं इधर बैठता हूँ और बैठ करके थोड़ा सा इधर नज़ारा का आनंद उठाते हैं भाई। और सामने आप देखिए दो दो लोकल आ रही है भाई, अभी 7 बज चुकी है तो थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन कोई बात नहीं, लाइट जलाते हुए आ रही है। देखिए आप सभी को वीडियो में दिख रहा होगा भाई, आ जाओ भाई आ जाओ, थोड़ा दिखा दूँ अपने दोस्त लोगों को। ये देखो सनसाइड भी हो गया है, कितना मस्त नज़ारा है। और ये देखो लोकल, इसके बाजू वाले पे पटरी पे भी गुजर रही है भाई, लेकिन ये फास्ट है, ये पहले गुजर जाएगा। ये देखो उसके जस्ट सामने वाले पटरी पे भी लोकल गुजर रही है, तो कुछ शाम का ऐसा नज़ारा रहता है इधर का। आओ चलते हैं अभी कारखाने पर और दिखाता हूँ मैं क्या काम करता हूँ भाई। वैसा तो बहुत ही अच्छे से नहीं दिखाया हूँ, लेकिन आज अच्छे से दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, दिखा देता हूँ। बहुत से लोगों का कमेंट आता है भाई अपना काम दिखाओ, क्या काम करते हो, सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है भाई ये सारे काम में। आओ भाई साहब, ये है मशीन जो मैं चलाता हूँ। फिलहाल अभी इसका कुछ मटेरियल कम पड़ गया है, वही लाने के लिए गए हैं। देखो गोनी गोनी आता है, ये पीस है भाई लेडीज़ का, और ये मशीन है गाज मशीन, गाज बोले तो क्या लगता है वो दिखाता हूँ भाई, कैसे दिखाऊँ, इधर लगा हुआ होगा वो दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए, यह है लड़की का शर्ट जो लड़की पहनती है। तो देखिए इसमें छोटी सी आप सभी को दिख रहा होगा, यह है गाज और एक साइड लगता है बटन। ये बटन लगने के बाद इस पे जाता है, ये जो होल रहता है यही मैं करता हूँ भाई। और बटन लगाने वाला कारीगर आज आया नहीं है, तबीयत ख़राब है, इसी कारण से बटन लगा नहीं है, बटन कल लगेगा। मैं गाज मार करके रेडी कर दिया हूँ, आपको दिखाऊँगा मशीन चला करके भी अभी। तो ये घड़ी भी मार के रख देता है ताकि कारीगर जो रहता है उसको दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये है लेडीज़ का पीस जिसमें एक काज मारना रहता है, ज़्यादा नहीं। और ऐसा कुछ मशीन है भाई, ये चलता है तो बहुत ही आवाज़ आता है, वो भी चला के दिखाएंगे, आवाज़ सुनाएंगे, काफ़ी सुनहरा है। यह बटन मशीन जो आज कारीगर नहीं आया है, ये भी है बटन मशीन जो कि मैं चलाने तो आता है मुझे, लेकिन मैं नहीं चलाता हूँ भाई, मैं यही चलाता हूँ। और सामने जहाज पार हो रही है भाई, काफ़ी शानदार नज़ारा है, ये चला के दिखाता हूँ आप सभी को। ये भी चलाता हूँ, ये हाईलाइट मशीन है भाई, इससे बटन लगता है, फोर पार्ट दिखा देता हूँ। ये देखो ये बटन जो है, ये बटन इस पे घुस जाता है, ऐसा ऐसा घुस जाता है भाई इस पे। तो ये फोर पार्ट इसको बोला जाता है, शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन बता देता हूँ मैं, इसको फोर पार्ट बोला जाता है। ये मशीन भी चलाने आता है, ये भी चलाने आता है, सब चलाने आता है, सीख गया हूँ 4-5 साल में भाई, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है सीखने में यार। भाई एक आ गया जो ऊपर में काम करता है मेरे ही ऊपर। नाम क्या है भाई? MD आसी। कितने साल से कर रहे हो? मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। क्या करते हो? मार्किंग करता हूँ, पैकिंग करता हूँ। मार्किंग भाई आप सभी को समझ में नहीं आएगा तो रुको दिखा देता हूँ आपको, मार्किंग समझ में नहीं आता है। देखिए इसमें येलो कलर का छोटी छोटी किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग को मारना होता है इसी को मार्किंग बोलता है ना। हाँ भाई। 3 साल से अभी पगार कितना देता है? 14.5। 14.5 भाई, मेहनत करना, कितना घंटा करना पड़ता है? 10 से लेके वही 8 बजे, 8:30 बजे तक। कितना घंटा हो जाता है भाई? वही लगभग कितना, 10-11-12 घंटा। 11-12, हाँ 12 के आसपास। 11-12 घंटा काम करना पड़ता है भाई। और ये मशीन चलाने नहीं आता है? ये वाला चलाने आता होगा ना? नहीं ये वाला नहीं आता है, बटन वाला आता है। बटन वाला थोड़ा आसान है, इसके लिए चला लेता है ना। और क्या अभी ऊपर में क्या कर रहे हो? अभी ऊपर में पैकिंग कर रहा हूं भाई। पैकिंग करता है, क्या पैकिंग कर रहे हो? शर्ट। हाँ शर्ट। और मज़ा आता है काम करने में? हाँ काम करने में अच्छा लगता है। रहते किधर हो? रहता हूँ धारावी। धारावी में भाई साहब, धारावी में रहना तो काफ़ी कठिन है, आप सभी को पता होगा धारावी में कितना छोटा छोटा। और भाई धारावी में रेंट कितना है भाड़ा रूम का? अरे 4,000 मिल जाता है? मिल जाएगा। कितने लोग रहता है एक रूम पे? एक रूम पे 5-6। अच्छा 5-6, तो ठीक है भाई। ये आया, थोड़ा सा बात किए, इससे अभी जा रहा है ऊपर, इनका सेट भी देख रहा होगा। देखिए यहाँ सामने कैमरा लगा है भाई, सोच रहा होगा क्या हो रहा है ना। ठीक है जाओ। तो भाई यही है कुछ कारखाना जो आप सभी को अभी दिखाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और बहुत से लोगों का दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई मुंबई में काम दिखाओ काम दिखाओ। भाई साहब काम तो बहुत सारा मिलता है लेकिन काफ़ी कठिन होता है भाई। मैं अपना ही स्टोरी बताऊं तो हम लोग दो भाई हैं जो कि अलग अलग रहते हैं। कारण कुछ ऐसा है कि मेरे पास रूम नहीं है, मैं किसी और के रूम पर रहता हूं और वो रूम पर जगह नहीं है भाई। तो रूम पर जगह ना होने के कारण से मेरा भाई को अलग रहना पड़ रहा है, जहां पे वो काम करते हैं वहीं पर रहता है, वहीं पर नहाता है खाता है सोता है। तो ये सब सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो बतानी चाहिए भाई। तो सोचे आप सभी को शेयर किया जाए, दिखा दिए। बाकी अभी थोड़ी देर में आपको मैं मशीन चला के दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा सुनहरा सुरीला आवाज़ रहता है, वो सुन करके तो आपको मज़ा ही आ जाएगा।